दो विद्वानों की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम विवेक और दूसरे का नाम विनय था, लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने विवेक और विनय को अच्छी शिक्षा देने के लिए बनारस भेज दिया। विवेक और विनय ने बनारस में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करके विद्वान बन गए थे। विद्वान होने के साथ ही उनमें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ समझते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को बनारस से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के किसान को पता चला कि उनके गांव में बनारस के विद्वान आए हुए हैं। किसान ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। विवेक और विनय दोनों किसान के घर आ गए। किसान ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। किसान पहले विवेक के पास गया और उनसे उनके हालचाल पूछने लगा। किसान पहले तो विवेक से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और विनय को नीचा दिखाने के लिए विवेक किसान से बोला, विनय तो बस नाम का विनय है, उसमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं है और न ही उसमें अकल है और न ही बुद्धि। इतने दिन बनारस में रहकर भी वह कुछ नहीं सीखा और अभी भी गधा ही है। विवेक की बातें किसान को अच्छी नहीं लगी। विवेक से मिलने के बाद वह विनय से मिलने गया। विनय भी विवेक की तरह बातें करने लगा और कहा, विवेक को कोई ज्ञान नहीं है और वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की बहुत बुराई की। किसान दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने विवेक और विनय को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालियां परोसी गईं, तो दोनों ने देखा कि उनकी थाली में घास और भूसा रखा था। थालियां देखकर दोनों किसान पर बहुत क्रोधित हुए और एक साथ किसान से बोले, क्या आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? किसान हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप दोनों ही बहुत बड़े विद्वान हैं। भगवान की कृपा से आज आप दोनों मेरे मेहमान बनकर आए हैं। मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना नहीं है। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसीलिए बैल और गधे को जो भोजन पसंद है मैंने आपको भी वही भोजन परोस दिया। किसान की बात सुनकर विवेक और विनय को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और अपने अपने हाथ जोड़कर किसान को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। किसान ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आव भगत की। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करता है तो उसे भी नीचा देखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।